भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में गत 7.5 वर्षों में हुआ है अभूतपूर्व काम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के हर हिस्से में जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आज गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो हजारों जन औषधि केंद्रों से 50-90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसे कदम प्राइमरी से लेकर टर्शरी केयर के लिए मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेष फोकस है। 2014 में जहां केवल 7 एम्स थे, वहीं आज देश में 23 एम्स हो गए हैं। देश भर में 214 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 40,000 से अधिक मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी हुई है। देश में मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत में जिस गति से स्वास्थ्य क्षमताओं का निर्माण हुआ है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है और वह देश के सामूहिक सामर्थ्य की अद्भुत मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के विजन पर पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अलावा सागर दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बर्धमान में टर्शरी कैंसर केयर सेंटरों की स्थापना में वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी श्री देश बंधु चितरंजन दास के नाम पर स्थापित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI कोलकाता 7 दशकों से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता के बीच CNCI की क्षमता विस्तार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भारत के हर हिस्से में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत CNCI के एक नए कैंपस का निर्माण किया गया है। न्यू टाउन राजरहाट में स्थित CNCI का ये दूसरा कैंपस है। नए कैंपस से अब CNCI की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कैंसर मरीजों को बहुत सहूलियत होगी। उनका अत्यंत सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा। एक अग्रणी कैंसर संस्थान के रूप में यहां कैंसर से जुड़ा शोध भी किया जाएगा। नया कैंपस 460 बेड का एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। यहां कैंसर के डायग्नोसिस के लिए NABL प्रमाणित व्यापक आधुनिक लैब, इलाज और इलाज के बाद की देखभाल के लिए आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहां OPD के 24 कक्ष तथा क्रिटिकल कैंसर की सर्जरी के लिए 10 मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर हैं। दूर से आए रोगियों के परिजनों के रहने के लिए 200 लोगों की क्षमता वाले सदन का निर्माण भी किया गया है। ये कैंपस 540 करोड़ रुपए की लागत से बना है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी CNCI के नए कैंपस को देश को समर्पित कर रहे हैं।